हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आई एम द दिका इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैथमेटिक्स दिस इज क्लास फिफ्थ चैप्टर एट एडिशनल ऑफ फ्रैक्शन एक्सरसाइज इज थर्टी फर्स्ट सो लेट स्टार्ट वॉट इज द एक्सरसाइज ओके सो एक्सरसाइज क्या है आपको क्या करना है आपको सम फाइंड आउट करना है ओके सिंपल सिंपल से जैसे देखो मैं आपको नंबर्स में देती हूँ फाइव माइनस टू प्लस वन तो आप क्या करोगे फाइव और टू को ऐड कर दोगे आ गया थ्री और फाइव है ही फाइव में से माइनस कर दोगे आप क्या थ्री आंसर आ जाएगा टू एक और तरीका है चाहे आप इस तरह से कर लो आपने फाइव में से थ्री माइनस किया आंसर आ गया थ्री ओके देन आपने वन ऐड कर दिया प्लस वन आंसर आया फोर अब आप कहोगे ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट है तो याद करो हमने क्या किया था सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर किया था उसमें हमने एक रूल पढ़ा था डी मास उसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द डिविजन देन मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड लास्ट में सब तो पहले हम एडिशन ऐड करेंगे इसीलिए हमने थ्री प्लस टू प्लस वन को ऐड करके थ्री लिखा था ओके सो so मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो क्लियर है जब भी आपको प्लस माइनस गिवन हो आपको क्या करना है डी मास का रूल याद रखना है ओके तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास फ्रैक्शंस में ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन एट तो आपको क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है जो आंसर आए उसमें से फाइव अपॉन एट को सब्सट्रैक्ट करना है तो सिंपल सा है फ्रैक्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको बहुत ईजी सी ईजीली आते हैं ओके okay, तो वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन एट हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हम एल्सियम लेंगे एल्सियम लिया हमने टू फोर एट का तो हमारा आंसर आया एट तो हमने एट एल्सियम ले लिया कॉमन ले लिया अब टू को हमने एट लिख दिया मीन्स हमने क्या किया फोर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल फ्रैक्शन बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को भी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वन है तो वन को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फोर जा फोर तो ऊपर आ गया फोर हमारे पास नेक्स्ट देखो फोर को हमने एट लिख दिया मीन्स हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर है थ्री थ्री टू जा हो गया सिक्स तो हमने लिखा प्लस सिक्स देन माइनस का साइन है माइनस का साइन यहाँ लगाया देन एट को हमने एट ही लिखा है तो हम फाइव को एज इट इज फाइव लिखेंगे अब हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आया फोर प्लस सिक्स माइनस फाइव अपॉन एट अब क्या करेंगे हम ओके फोर प्लस सिक्स आ गया हमारे पास टेन तो हम लिखेंगे टेन माइनस फाइव अपॉन एट है ना अब माइनस कर दो माइनस किया तो फाइव अपॉन एट आ गया और यही हमारा आंसर है है ना सिंपल सा ओके okay. तो इसी तरह से आपको क्या करनी है ये पूरी एक्सरसाइज करनी है अपनी फिर नोटबुक में सी यहाँ पर थोड़े से चेंज क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आपको ध्यान बाकी सारे इजी से हैं आपको ध्यान यहाँ पर क्या रखना है देखो क्वेश्चन नंबर टेन सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ फाइव अपॉन फाइव इज टू वन अपॉन टू एंड सिक्स इज टू थ्री अपॉन एट फ्रॉम दी सम ऑफ सेवन इज टू थ्री अपॉन फोर एंड सिक्स इज टू वन अपॉन टू तो यहाँ आपको याद ये रखना है कि क्वेश्चन क्या है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ इन दोनों का सम मीन्स फाइव इज टू वन अपॉन टू प्लस सिक्स इज टू थ्री अपॉन एट उसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करना है इसका जो आंसर आएगा वो आपको सब्सट्रेक्ट करना है किस में से सम ऑफ सेवन इज टू थ्री अपॉन फोर एंड सिक्स इज टू वन अपॉइंट टू तो इन दोनों के सम में से इन दोनों के सम को माइनस करना है आपको तो हम क्या करेंगे पहले हम ये वाला फ्रैक्शन लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्वेश्चन में नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है ये देखो मिनट क्वेश्चन इज इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन सी इसी लिए मैंने सेवन इज टू थ्री अपॉन फोर को पहले लिखा है क्योंकि अगर मैं आपसे कहती हूँ सबसे थ्री फ्रॉम एट देन आप क्या करोगे एट ऊपर लिखोग लिखोगे देन माइनस थ्री करोगे और आंसर लिखोगे फाइव सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा ओके okay? सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच गुड लक बाय